अभी तक ओआरओपी 2 में 7,205 करोड़ रुपए बांटे जा चुके हैं। प्रधानमंत्री जी की जो बातें हैं वो सच्चाई या हवा हवाई। इसमें अगर सेकंड थर्ड फोर्थ इंस्टॉलमेंट वाली बात करें, जिनको पहला इंस्टॉलमेंट मिला हुआ है, तो उसमें तो बहुत ये आंकड़ा यही बोलता है कि अभी तक ओआरओपी 2 में सिर्फ 26% पैसा ही बांटा गया है। अगर 18,000 करोड़ रुपए और 65,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं तो ये पैसा गया कहां, किसके खाते में गया? तो 10,795 करोड़ रुपए बांटे गए थे एरियर के लिए। ये बिल्कुल हकीकत है, जितने भी पुराने पेंशनर्स थे, जेसीओस थे, उनको ओआरओपी 2 में कुछ भी नहीं बढ़ाए। नमस्कार वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने ओआरओपी के ऊपर अपनी चुप्पी तोड़ी और राजस्थान के अजमेर में यह बयान दिया कि ओआरओपी के एरियर के लिए 18,000 करोड़ रुपए भुगतान किए जा चुके हैं और साथ ही साथ ओआरओपी का कुल भुगतान 65,000 करोड़ रुपए हो चुका है, इसके ऊपर अभी बहुत बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं दोस्तों। अगर 18,000 करोड़ रुपए और 65,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं तो यह पैसा गया कहां, किसके खाते में गया? जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि यह पैसा पूर्व सैनिकों को मिला है। अब दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये बात जस्टिफाइड तरीके से जानने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल फैक्ट्स, फिगर्स और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, कि अगर 18,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं तो कैसे दिए गए हैं, और अगर 65,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं तो कैसे दिए गए हैं और कहां गया है ये पैसा। और साथ ही साथ इस बात की भी हम पड़ताल करेंगे दोस्तों कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो बातें हैं वो सच्चाई या हवा हवाई। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़े हुए भरोसेमंद जानकारियों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बोर्ड में कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, जैसे कि सबसे पहले हेडिंग है ओआरओपी की क्या है सच्चाई, क्या सरकार ने बांटे 65,000 करोड़ और 18,000 करोड़। उसमें आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि मोदी जी का बयान सच्चाई या हवा हवाई। सबसे पहले तो हम 18,000 करोड़ रुपए के बारे में बात करते हैं जो कि उन्होंने कहा है कि ओआरओपी के एरियर के लिए भुगतान किया जा चुका है। अब दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि ओआरओपी 1 में एरियर के लिए कितना पैसा भुगतान किया गया था। दोस्तों, ओआरओपी 1 में अगर हम बात करें तो 10,795 करोड़ रुपए बांटे गए थे एरियर के लिए, और वो बांटे गए थे 20,60,000 पेंशनर्स को। तो दोस्तों, ये जो सामने आप आर्टिकल देख पा रहे हैं जो कि इकोनॉमिक टाइम्स अखबार का आर्टिकल है, और ये आर्टिकल है 8 नवंबर 2020 का। अब इस आर्टिकल में डिटेल्ड रिपोर्ट ये छापा गया है दोस्तों, नवंबर 2020 तक कुल मिलाकर के 42,700 करोड़ रुपए सरकार ने ओआरओपी पर खर्चा कर दिया। अब आगे हम इस रिपोर्ट को जब डिटेल तरीके से देखते हैं तो इसमें कई बातें हमें पता चलती है दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ईयरली यानी कि सालाना सरकार को 7,123 करोड़ रुपए का खर्चा करना पड़ रहा है ओआरओपी के बढ़े हुए पेंशन को देने के लिए। अब उसके नीचे आगे लिखा हुआ है दोस्तों कि द मिनिस्ट्री स्टेटेड दैट रुपीज 10,795 करोड़ हैज बीन डिसबर्स्ड टू 20.6 लाख डिफेंस पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स एज एरियर्स ड्यू टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ओआरओपी। यानी कि दोस्तों, आप सबने अभी देखा कि सरकार ने ओआरओपी 1 के लिए 10,795 करोड़ रुपए बांटे थे। अब बात करते हैं दोस्तों ओआरओपी 2 के बारे में, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बोला वो 18,000 करोड़ की बात बोली, और वो भी ये बोला कि वो बांटे जा चुके हैं, पेंशनर्स के जेब में जा चुका है। तो दोस्तों, अब यहां से ओआरओपी 1 में हमें मिला 10,795 करोड़ रुपए। अब आगे बढ़ते, ये जो सामने आप देख पा रहे हैं जो कि लोकसभा का सवाल जवाब है, अब यहां पर 24 मार्च 2023 को सरकार ने एक लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब देते हुए ओआरओपी 2 का एरियर का जो है डिटेल्स दिया था, जिसमें सरकार की तरफ से रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी ने यह जवाब दिया था दोस्तों कि 13 मार्च 2023 तक सरकार ने ओआरओपी 2 के एरियर के लिए 5,065.70 करोड़ रुपए बांट दिए हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सबने अभी देखा कि ओआरओपी 1 में सरकार ने 10,795 करोड़ रुपए बांटे और 13 मार्च 2023 तक सरकार ने ओआरओपी 2 के लिए 5,066 करोड़ रुपए बांटे। अब उसको हम अगर इकट्ठा कर दें तो 15,861 करोड़ रुपए 13 मार्च 2023 तक सरकार ने बांटे ओआरओपी 1 और ओआरओपी 2 को लगा के।
अब माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आंकड़ा है उससे बचते हैं 2,139 करोड़ रुपए। अब दोस्तों अगर हम 14 मार्च 2023 से अभी तक की बात करें, क्योंकि उस बीच में भी कई सारे पेंशनर्स को ओआरओपी का एरियर मिला है। अब ये भी सच्चाई है कि आज के डेट में भी कई सारे पेंशनर्स हैं जिनको ओआरओपी का एरियर नहीं मिला है, और उसमें सबसे बड़ी बात है फैमिली पेंशनर्स और गैलेंट्री अवार्ड विनर्स का, जैसे कि 30 अप्रैल तक भुगतान हो जाना था, उनमें से भी पेंशनर्स बचे हुए हैं जिनको ओआरओपी का एरियर नहीं मिला है। यह हकीकत है। लेकिन यह भी हकीकत है दोस्तों कि 14 मार्च से लेकर अभी तक का अगर हम आंकड़ा लगाएं तो कई सारे पेंशनर्स को एरियर मिल चुका है। तो अगर इसमें हम 2,139 करोड़ रुपए बांटा हुआ अगर मान लें मार्च 2023 से लेकर अभी मई 2023 तक, तो यह आंकड़ा कहीं ना कहीं 18,000 पहुंच रहा है। तो एक तरफ से अगर हम देखें तो ये पैसा किसको मिला, कैसे मिला, वो अलग बात है। लेकिन जो आंकड़े दिख रहे हैं दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे बोला था कि 18,000 करोड़ रुपए ओआरओपी के एरियर के लिए बांटे गए हैं, कहीं ना कहीं ये मिलता जुलता और सच्चा आंकड़ा दिखाई देता है। आगे मैं आपको ओआरओपी 2 का एक थोड़ा सा स्टेटस बता दूं कि आज के डेट में ओआरओपी 2 का एरियर का बांटा जो गया है उसका स्टेटस क्या है। अब दोस्तों इसी से एक आंकड़ा निकलता है कि 5,066 करोड़ रुपए सरकार 13 मार्च 2023 तक बांट चुकी थी, और अगर मई तक उसके बाद अगर हम ये वाला आंकड़ा जोड़ दें 2,139 करोड़, तो अभी तक ओआरओपी 2 में 7,205 करोड़ रुपए बांटे जा चुके हैं। तो ये जो आंकड़ा है दोस्तों 26% के करीब बनता है, क्योंकि कुल मिलाकर के ओआरओपी 2 में 28,000 करोड़ रुपए एरियर बंटने हैं। तो अभी तक ओआरओपी 2 में सिर्फ 26% पैसा ही बांटा गया है, यानी कि बहुत सारे पेंशनर्स अभी भी बचे हुए हैं जिनको ओआरओपी 2 का एरियर मिलना है। और साथ ही साथ इसमें अगर सेकंड थर्ड फोर्थ इंस्टॉलमेंट वाली बात करें, जिनको पहला इंस्टॉलमेंट मिला हुआ है, तो उसमें तो बहुत ज्यादा आंकड़ा अभी बचा हुआ है। तो यानी कि अभी भी पेंशनर्स ऐसे बहुत सारे बचे हुए हैं जिनको ओआरओपी का एरियर मिलना है, क्योंकि ये आंकड़ा यही बोलता है कि अभी तक ओआरओपी 2 में सिर्फ 26% पैसा ही बांटा गया है एरियर के ऊपर। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं 65,000 करोड़ की, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि 65,000 करोड़ रुपए ओआरओपी के ऊपर 2014 से लेकर अभी तक पेंशनर्स के पॉकेट में, यानी कि पेंशनर्स के जेब में जा चुके हैं। तो ये कैसे हो सकता है या कैसे हुआ होगा इसको हम जानते हैं। तो दोस्तों सालाना ओआरओपी 1 पर बढ़ा हुआ पेंशन और डीआर को मिलाकर के सरकार को कितना आ रहा था खर्चा, आपने जैसे इकोनॉमिक टाइम्स, अब ये सामने आप देख पा रहे हैं जिसमें इकोनॉमिक टाइम्स में ये क्लियर लिखा हुआ है कि सालाना 7,123 रुपए सरकार को खर्चा आ रहा है ओआरओपी का बढ़ा हुआ पेंशन के लिए। अब ये 7,123 रुपए आ रहा है दोस्तों जुलाई 2014 से, यानी कि जुलाई 2014 से अगर जून 2022 तक का भी हम आंकड़ा लगाएं तो ये होता है 8 साल, और 8 साल को अगर हम 7,123 करोड़ से गुना करें तो 56,984 करोड़ रुपए ओआरओपी के बढ़े हुए पेंशन के लिए सरकार ने 2014 से लेके 2022 जून तक बांटे हैं। ये आंकड़ा निकलता है दोस्तों फैक्ट्स और फिगर्स के आधार पर। अब दोस्तों इसमें अगर हम ये निकला है आंकड़ा जून 2022 तक का, अगर जुलाई 2022 से अभी तक का आंकड़े को हम जोड़ दें और बीच बीच में जो डीएडीआर का परसेंटेज भी बढ़ता है तो उसको भी जोड़ दें, तो कहीं ना कहीं ये जो इसमें जो कमी हो रही है 65,000 करोड़ पहुंचने में, वो हो रही है 8,016 करोड़ की। तो कहीं ना कहीं जुलाई 2022 से लेकर के अभी तक का अगर हम ओआरओपी में बढ़े हुए पेंशन के ऊपर भुगतान को ले लें और बढ़ा हुआ डीआर डीएडीआर को भी जोड़ें, तो कहीं ना कहीं ये 8,016 करोड़ रुपए जुड़ जाते हैं 56,984 करोड़ में। और ये जो आंकड़ा है 65,000 करोड़ रुपए, ये भी कहीं ना कहीं बिल्कुल लगभग मिलता जुलता आंकड़ा निकल रहा है दोस्तों। यानी कि प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है कि 18,000 करोड़ रुपए एरियर के लिए दिए गए हैं और 65,000 करोड़ रुपए जो ओआरओपी के बढ़े हुए पेंशन के लिए अभी तक दिए गए हैं, कहीं ना कहीं ये मिलता जुलता बिल्कुल सही आंकड़ा दिख रहा है। लेकिन अब इसमें बड़ा सवाल दोस्तों कि किन को कितना मिला है, अफसर्स को कितना मिला है, देशियों जवानों को कितना मिला है, क्योंकि ये हकीकत है कि 2016 से पुराने पेंशनर्स को ओआरओपी 2 में, जो जेसीओज हैं उनकी बात कर रहा हूं, ओआरओपी 2 में बिल्कुल बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये बिल्कुल हकीकत है, जितने भी पुराने पेंशनर्स थे जेसीओज थे उनको ओआरओपी 2 में कुछ भी नहीं बढ़ा है। तो अब ये जो बढ़ा हुआ आंकड़ा तो बिल्कुल निकल जाता है कि पैसे बांटे गए हैं, लेकिन किनको बांटे गए ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है दोस्तों। अब इसमें कई सारे पेंशनर्स का, मेरे व्यूअर्स का भी ये कहना होता है कि आपने
कुल डिफेंस बजट को ही इसमें दिखा दिया, बिल्कुल नहीं। अगर मैं कुल डिफेंस बजट आपको दिखाऊं तो ये जो सामने आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि मनोहर परिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज का एक रिपोर्ट है, जिसमें आपको मैं आगे दिखाता हूं कि 2024-25 का जो बजट है वो कितना है। अब दोस्तों जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं 2022-23 का और 2023-24 का बजट का पूरा ब्यौरा यहां दिखाया गया है। तो 2022-23 में जो आंकड़ा है वो 2023-24 में बड़ा है, और डिफेंस बजट का अगर कुल हम बात करें तो 5,93,537.64 करोड़ रुपए कुल डिफेंस बजट है, और उसमें अगर डिफेंस पेंशन की बात करें तो 1,38,205 करोड़ रुपए डिफेंस पेंशन का बजट है, जो कि 2023-24 का बजट है दोस्तों। और उसमें से ओआरओपी का जो बजट आपने जैसे देखा दोस्तों कि ओआरओपी का बजट होता है 7,123 करोड़ सालाना, तो 1,38,000 करोड़ में 7,123 करोड़ रुपए ओआरओपी की वजह से बजट में बढ़ोतरी हुई है। तो बहुत खास बढ़ोतरी ओआरओपी की वजह से नहीं हुई है। तो दोस्तों कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला वो सच्चाई बोली, हवा हवाई बोली या क्या बोली। अब इसमें कई सारे मेरे व्यूअर्स का ये भी होगा कि ये कहीं ना कहीं सरकार की वकालत कर रहा है, या कई सारे ऐसे व्यूअर्स होते हैं। लेकिन आपको इस वीडियो में कमेंट करने से या आपको इस तरीके से सोचने से पहले सरकार की आलोचना करके जो मैंने वीडियोस बनाई है, क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें आलोचना बनती है और कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जहां पर सच्चाई भी रखनी पड़ती है, तो दोनों विषयों को जरूर परख लीजिएगा अपना मन बनाने से पहले। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी जस्टिफिकेशन को लेकर आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।